हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो आइए देखते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर स्पेशल, एक कूल ठंडी ठंडी ड्रिंक की रेसिपी। फ्रेंड्स, कैरी पन्ना तो आपने बहुत बार पिया होगा और अच्छा भी होता है गर्मियों में पीना, लेकिन फ्रेंड्स इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब आप पहले कैरी उबालोगे, उसको पीसोगे, छानोगे और उसके अंदर मसाले मिक्स करके कैरी पन्ना बनाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हम कैरी पन्ना का पाउडर बनाना सीखेंगे। और ये पाउडर आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो जब भी ज़रूरत हो, जब भी गर्मी लगे बहुत ज़्यादा, फटाफट से दो चम्मच आप ठंडे चिल्ड पानी में ये कैरी पन्ना का पाउडर मिलाइए और इन्जॉय कीजिए ठंडा ठंडा चिल्ड होममेड, बिना कलर्स और बिना प्रिजर्वेटिव के ठंडा ठंडा कैरी पन्ना। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये काम करने वाले स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता है। तो आइए देखते हैं रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट मेरे सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ देखिए मैंने कैरी ले ली है और आप इसके लिए बिल्कुल फ्रेश वाली कैरी इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रेश कैरी है, बिल्कुल भी मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है अच्छे तरीके से और मैं थोड़ा कम ही बना रही हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्वान्टिटी उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो अभी हमने इसको क्या करना है, बॉयल करने रखना है। तो प्रोसेस जो है कैरी पन्ना का लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बॉईल करने के लिए एक भगोने में ये डाल दी हैं चारों कैरी और इसके ऊपर हम पानी डालेंगे और मैं एक ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे बॉईल करने के लिए हम छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ज़्यादा देर हमको बॉईल नहीं करना है, ढक दीजिए और 5-6 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल हो गया है हमारी कैरी। ये देखिए 5 मिनट बॉईल हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ठंडी हो गई है कैरी। ये कम्प्लीटली ठंडी होने के बाद आप इसको छीलिएगा। तो इसको मैं छील लेती हूँ और इसका छिलका बिल्कुल अलग कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप ये जो कैरी पन्ना है, ये इसको बना के आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे 1 साल तक ये चलने बिल्कुल भी नहीं वाला है, आई प्रोमिस यू, ये बहुत जल्दी आपके घर पर ख़त्म हो जाएगा, देखना। तो मैं बता रही थी कि जैसे बाहर वाले जो आजकल कैरी पन्ना के पाउडर बाहर भी मिलने लगे हैं मार्केट में, पर उसको कंटिन्यू यूज़ मत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि कैरी पन्ना है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कम कलर्स होते हैं, इसके अलावा सिंथेटिक एसेंस होते हैं, टेस्ट मेकर्स होते हैं, तो वो यूज़ मत कीजिए बच्चों के लिए। आप अगर डेली 1 ग्लास उसको देंगे बच्चे को पीने के लिए या खुद भी पियेंगे तो वो बहुत ही डेंजरस है हेल्थ के लिए। तो आप इस तरीके से घर का बनाइए और ये मैं आपको जो प्रोसेस बता रही बहुत इजी है, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये रेसिपी तो मस्ट है, ट्राई करना। तो ये देखिए, इस तरीके से छील लिया है मैंने सारी कैरी को और अभी इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी जार में इसको डाल दिया है और अब इसको हम बिना पानी डाले ऐसे ही पेस्ट बना लेंगे इसको। फ्रेंड्स, इसके अंदर ना मैंने कोई मसाला मिक्स करना है, ना कोई हमको चीनी मिक्स करनी है, ना नमक मिक्स करना है, बस इसको अंदर पानी भी नहीं डालना और ऐसे ही पीस लेना है इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए, इस तरीके का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाना चाहिए इसका। मैंने इसके अंदर एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस बॉईल की हुई कैरी डाली है ताकि जो ये है सूखने में ज़्यादा देर ना लगाए। तो इसको हम सुखाएंगे अभी और पाउडर करेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए, एक प्लेट मैंने ले ली है, आप स्टील की प्लेट मैं यहाँ ले रही हूँ। आप चाहें तो जो पॉलीथीन आती है जिसके ऊपर हम वड़ियाँ वगैरह सुखाते हैं वो लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नई ली है। प्लेट पे हल्का सा आप तेल लगा लीजिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, मैं बता रही हूँ, चिपकेगा। तो आप हो सके तो पॉलीथीन यूज़ कीजिएगा जो कि वड़ी वड़ी या पापड़ सुखाने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं जो है ये पेस्ट के इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से डिस्क बना के और इसको सुखाने के लिए रख दूंगी। और इसको हमको धूप में नहीं सुखाना है फ्रेंड्स, बिल्कुल खुली धूप में मत सुखाइएगा, हल्की धूप छाँव में रख दीजिए और ये अपने आप से ही 1 या 2 दिन के अंदर सूख जाएगी। और रात को अंदर रख लीजिए और दिन में आप इसको बाहर रख दीजिए, तो ये बिल्कुल ही सूख के श्रिंक हो जाएगी और थोड़ी सी हो जाएगी। तो 1 से 2 दिन मैं इसको सुखा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको सुखा लिया है और ये देखिए बिल्कुल ये श्रिंक हो गया है और ये हल्का सा चिपक गया था जैसे कि मैं बता रही थी, प्लेट पे चिपकेगा थोड़ा सा, पर ये बहुत ही आसानी से निकल भी गया।
तो डोंट वरी, इतनी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, इसको मैंने एक मिक्सी जार में निकाल लिया है, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गया है और इसको अभी हम पीसेंगे चीनी के साथ। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कटोरी के करीब चीनी ली है। चीनी थोड़ी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ देखिए, ये इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है इसका। ये देखिए, तो ये खट्टा मीठा सा केरी के टेस्ट वाला पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अभी इसमें मैंने सिर्फ चीनी डाली थी, आइए इसके अंदर दूसरे मसाले भी मिक्स करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ काला नमक, तो ये 1/4 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर काला नमक डाल रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। और 1/2 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं प्लेन वाइट सॉल्ट डाल रही हूँ, और इसके साथ मैं 1 चम्मच के करीब इसके अंदर भुना पिसे जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास सूखे पुदीने के पत्ते हैं, ये ड्राई मिंट के लीव्स हैं, और ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 1.25 चम्मच के करीब। तो यहाँ फ्रेंड्स, हमने मसाले भी बहुत कम आप देख रहे हैं मैंने यूज़ किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको खट्टी कम लग रही है केरी, तो इसके अंदर आप सूखा जो है नींबू का फूल आता है या सिट्रिक एसिड बोलते हैं, वो 1 से 2 चुटकी डाल सकते हैं इसके अंदर। पर मैं इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, इसको मैंने पीस लिया है एक बार फिर से अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि इसके अंदर मैंने ना नींबू का फूल डाला है ज़्यादा खटास के लिए। देखिए बाहर के जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें नींबू का फूल डला हुआ होता है ताकि वो अच्छी खट्टी लगे, और इसके साथ साथ कलर्स भी मिले हुए होते हैं। तो इसके अंदर हमने ना कलर मिलाया है ना प्रिजर्वेटिव मिलाया है। एक बार मैं चख लूँगी कि इसके अंदर सब बढ़िया है ना मसाले, आप चख लीजिए और अगर आपको सही लगे, मेरे को तो परफेक्ट लग रहा है ये। अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, जैसे नमक वगैरह एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो अभी देखिए, मैं इसको बना लेती हूँ। तो 1 ग्लास के करीब मेरे को बनाना है, तो इसके लिए 2 चम्मच के करीब मैंने पाउडर लिया है, और इसके अंदर मैं 1 ग्लास चिल्ड पानी डाल रही हूँ। और इसके अंदर हमने देखिए कलर मिल्क मिक्स नहीं किया है। अगर आप गौर से देखें, बाहर के जो आपको ड्रिंक्स मिलते हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर के आएंगे, यहाँ देखिए नॉर्मल कलर है जैसे केरी पन्ने का होता है जो हम घर पर बनाते हैं। तो ये बहुत हेल्दी है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो गया। अब इसमें मैं 2 से 3 बर्फ़ के पीस डालूंगी, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस घर का बना हुआ पन्ना तैयार है, जो कि हमने आपने देखा सिर्फ 2 चम्मच पाउडर मिक्स करके बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो वर्किंग वुमेन हैं या काम पे जाते हैं या जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। आप अपने हॉस्टल वाले बच्चों को ये स्पेशली पाउडर बना के दे दीजिए साथ में। गर्मी में हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं होती इस तरह का पन्ना रोज़ पीने की, तो वहाँ ये उनके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है रेसिपी। आप इस पाउडर को अपने साथ सफ़र पे भी ले जा सकते हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोग बाहर घूमने जाएंगे, तो आप इस पाउडर को ले जाना बिल्कुल मत भूलिए, इससे आप लू से भी बचे रहेंगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ट्राई ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी कीजिए, कमेंट्स में इंतज़ार कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सके। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।